Hello viewers, I am Amara, Thai YouTuber from Pakistan. I make videos for cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlog and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Amara's kitchen and vlog. ये जो व्लॉग हैं ये अब सारे मेरी फ्रेंड की शादी के आएंगे व्लॉग। तो ये तो फर्नीचर जो आप लोगों को पहले मैं थोड़ी सी शॉर्ट में दिखाई थी कि फर्नीचर पसंद करने के लिए हम जा रहे हैं, तो ये वाला फर्नीचर हमने पसंद किया है, बिल्कुल सिंपल सा और यूनिक सा, कलर बहुत कम्बिनेशन अच्छा लगा है मुझे। तो जी बाद में और भी बहुत सारे देखे थे, तो लेकिन जो आज की जो वीडियो है मेन, तो वो मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ। वो ये है कि जो दूध पिलाई की रस्म की जाती है ना जिस ग्लास में, तो वो वाला ग्लास तैयार करना है हमने सबने मिलके। मेन आइडिया समिया का है क्योंकि उसने सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है, उसने जो डिज़ाइन देखा था वो बनाना है। बाकी हम सब होंगे, मैं, जोनी जो कि हमारी ब्राइडल भी जिसमें शामिल होगी, और समिया होगी साथ में, वकास भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शन देंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह का एक मिरर है जिसको वकास को कट करने के लिए दिया है समिया ने कि ये भाई काट दें, लेकिन वो टूट गया। अब मैं और वकास फटाफट जाके एक और शीशा लेके आए हैं, बिल्कुल वो जो केक की निचली साइड नहीं होती उसके बिल्कुल मुताबिक का। तो चलें हम स्टार्ट कर दिया है। इसके नीचे हम यानी कि उल्टी साइड पर हम गिलू लगाएँगे, फिर जी इसके साथ हम शीशे को अटैच कर देंगे, चिपका देंगे। अब ये जितने हमारे पास ये मोती है ना, ये हमने लगाने हैं साइडों पे। ये हमारी दुल्हन बैठी हुई थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो चलें जी, इस नैरा ने और समिया ने अपना काम शुरू कर दिया और मैंने वीडियो बनाने वाला अपना काम शुरू कर दिया है। समिया के नाखून इतने बड़े, मैंने कहा समिया मुझे उलझन आ रही है तुम्हारे नाखूनों को देख। उसने प्रॉमिस किया कि मैं शादी के फ़ौरन बाद काट दूँगी। तो चले अल्लाह हिदायत दे इसे भी, फ़ौरन काट दे ये। तो देखें जी हमारा ऐसा ऐसा काम स्टार्ट हो गया। ये हमने जो प्लेट बनाई है शीशे की, इसकी साइडों पे मोती लगा लिए हैं। मैंने वैसे ही ग्लास रख के देखा, मैंने कहा ये तो सिंपल भी प्यारा लग रहा है। चलें जी अब पकड़ते हैं हम ग्लास को, जो इसका पैंदा है ग्लास का, इसके ऊपर हमने सबसे पहले मोती लगाने हैं। लें जी मोती लगना स्टार्ट हो गए। तो ये वाला छोटे छोटे काम है जो हम कहते हैं कि ले लेंगे कर लेंगे, पेंडिंग ही पड़े रहते हैं, फिर एंड टाइम पे हमें याद नहीं रहता वो क्या क्या हो जाता है, फिर चीज़ नहीं आती। लेकिन ये हमने ये डिसाइड किया कि ये सबसे पहले बना के रख लेते हैं और ये प्यारा भी लगेगा। ग्लास का जो पैंदा है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो ये लें जी। बड़ा मज़ा आ रहा था, साथ में हंसी मजाक चल रही थी, तो काम भी हो गया। अभी हमने आर्टिफिशियल फ्लावर लिए हैं, ये वाइट हैं, उसके ऊपर छोटा सा एक रेड रखेंगे, इसके बाद हम ग्लास के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये देखें जी, वाओ ज़बरदस्त, ये हो गया है जी ग्लास के साथ अटैच। ये देखें ऐसे भी कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन नहीं अभी कुछ और बाकी है। अब इसी तरह के फ्लावर लेंगे हम और ग्लास के एक साइड को कवर करना स्टार्ट कर देंगे फ्लावरों की मदद से। ये देखें तीन फ्लावर लगा दिए हैं। अब आ गए हैं जी वकास हमारी हेल्प के लिए। वो ऊपर फ्लावर रख रहे हैं। ये देखिए समिया को ये टेंशन थी, समिया को और जोनी को, कि ये जो एल्फी गूंद लग रही है इसके ऊपर शीशे के उतरेगी नहीं, लेकिन नहीं वो जैसे ड्राई होती थी उतर जाती थी। ये देखिए जैसे लाइनें बन रही है ना शीशे पे, ये बिल्कुल नीट हो गया था। ये देखिए ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ओरिजिनल ही लग रहे हैं मुझे तो। फिर फ्लावर के ऊपर थोड़े थोड़े दूर दूर मोती लगा दिए हमने मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ग्लास रेडी हो गया है। अभी भी कुछ बाकी है, वो ये है कि इसकी साइड पे कुछ लिखवाना है, ये जो खाली शीशा है
अली वर्स मारिया, अली है इसके मंगेतर का नाम। अभी तो फिलहाल मंगेतर है ना, शादी नहीं हुई, निकाह हो जाएगा तो फिर हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को इतना ही दिखाऊंगी, जब दूध पिलाई की रस्म होगी ना जो इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, बाकी मैं आप लोगों को वो तब दिखाऊंगी शादी वाले दिन। अभी तो मज़ीद आगे आगे और व्लॉग आएंगे, तो सबसे पहला व्लॉग शादी का ये है, दूध पिलाई की रस्म का। वैसे आप लोगों को पसंद आया है, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो शीशे की खाली जगह बची है ना, इसके ऊपर हमने वो शादी की डेट है वो लिखनी है, लिखवानी है, किसी पेंटर से लिखवाएंगे वो वाइट कलर के पेंट से, तो आप लोग हमसे बनवा भी सकते हैं वैसे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।